दोस्तों अभाज्य संख्या कैसे पहचाने, सेकेंड्स में उसका आंसर कैसे दें, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचाना होता है। अगर मैं कहूं 173 अभाज्य संख्या है, यस ये अभाज्य संख्या है, 341 एक अभाज्य संख्या नहीं है यानी भाज्य है, लेकिन कैसे हम आगे वीडियो में आपसे चर्चा करते हैं। आज का दोस्तों टॉपिक है अभाज्य संख्याओं की पहचान करना। आइए पहले हम एक मिनट में अभाज्य संख्याओं के बारे में देख लें। अभाज्य संख्या वो संख्या है जिनके दो से ज्यादा दोस्तों फैक्टर न हो, वो संख्या अभाज्य संख्या होती, जैसे आपकी 2 हो गई, 3 आपकी, 5, 7, 11, 13, ऐसे आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। इंग्लिश में दोस्तों प्राइम नंबर और रूड संख्याएं भी बोलते हैं। यहां से कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दोस्तों ये 2 आपकी ऐसी संख्या है मेरे दोस्तों जो कि सम अभाज्य है, यानी कि इसके अलावा जितनी भी आपकी संख्याएं अभाज्य हैं वो सारी ऑड नंबर हैं। ओनली 2 इज प्राइम नंबर का ऐसा नंबर है दोस्तों जो सम अभाज्य है, यानी ये अभाज्य तो है लेकिन सम संख्या है, बाकी आपकी जितनी भी संख्या है वो सारी दोस्तों ऑड नंबर है, ऑड नंबर आपकी अभाज्य संख्या। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लेंगे, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, इस बात को नोट कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। बहुत अच्छे से आज हम लोग ऐसी ट्रिक पढ़ने वाले हैं जैसे आप सेकेंड्स में आंसर दोस्तों लेके आएंगे, इस बात की गारंटी है। यहाँ से जैसे हम आप अपने टॉपिक पे आते हैं, अभाज्य संख्या की हम लोग पहचान कैसे करें। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, छोटा सा नंबर ले लिया पहले, यहां से दोस्तों देखते रहिए, बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ पे एक प्लस करिए, यहाँ पे एक माइनस करिए, यहां से अगर आप एक प्लस करते हैं तो दोस्तों 19 प्लस 1 20 हो जाएगा, आप माइनस करते हैं तो आप 18 हो जाएगा आपका। दोनों में आपको 6 से भाग देना है, अगर भाग चला जाता है 6 × 18 ये आपका नहीं जाएगा इसमें, लेकिन दोस्तों अगर एक में भी भाग 6 का चला जाता है तो ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार और बता रहा हूं, अगर दोनों में आप 6 से भाग देंगे, अगर किसी एक में भी चला जाता है, एक में ना भी जाए तो भी ये आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी, और अगर दोनों में चला जाता है तो भी आपकी अभाज्य संख्या ही होगी। अगर दोनों में दोस्तों ना जाकर, अगर दोनों में ना जाए तो आपकी ये भाज्य संख्या होगी, इस बात को इतना क्लियर कर लेंगे। अगला नंबर हम लोग 2-3 सवाल करते हैं, केवल 2-3 और आप क्लियर हो जाएंगे, आप 2 सेकंड में आंसर ले आएंगे। जैसे आपका कोई भी है 3-4-1 आपका है, इसमें आप क्या करेंगे, एक ऐड करिए, एक माइनस करिए, यहां से एक जोड़ेंगे तो 342 हो जाएगा, एक घटाएंगे आपका तो 340 हो जाएगा। अब हमें 6 से मेरे प्यारे दोस्तों भाग दे देना है, दोनों को 6 से लेना है, देखना है 6 से कौन सा कटता है, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30 आपका, 50 × 4 = 6 = 42 आपका 57 हो गया। यहां से दोस्तों ये आपका 6 से नहीं जाएगा, लेकिन एक चला तो गया, एक चला गया, इसलिए ये आपका अभाज्य नंबर है। कौन सा अभाज्य नंबर मेरे प्यारे दोस्तों, एक पे डिवाइड हो गया, अगर दोनों पे ना होता तो ये भाज्य नंबर था। अगला हम लोग ले लेते हैं, मैं समझता हूं यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। एक 2 एग्जांपल और हम लोग कर लें, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे दोस्तों हम लोग छोटा सा एग्जांपल ले लें, मान लीजिए 216 आपने लिया, अब देखना है क्या ये भाज्य है या नहीं है दोस्तों, तो हम लोग सीधा एक प्लस करिए, एक माइनस करिए, एक प्लस करेंगे तो 217 हो जाएगा, एक माइनस करेंगे तो 215 हो जाएगा, 6 से दोस्तों हम लोग डिवाइड करते हैं।
6 से करेंगे 6 या 18 आपका 3 बचा, 6 की टेबल में 35 होता नहीं है इसलिए ये 6 से डिवाइड नहीं होगा और ना ही ये डिवाइड होगा। 6 या 18 आपका 3 बचा और 37 आपका डिवाइड नहीं है 6 से इसलिए ये एक भी डिवाइड नहीं हुआ इसलिए ये एक भाज्य संख्या है ना कि अभाज्य। ऐसे हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं जैसे 1009 ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लें 1009 ले लेते हैं। बेहतरीन दोस्तों ट्रिक है, यहां से 1 प्लस करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों या 1 माइनस करते हैं, यहां से 1 प्लस किया तो 1010 हो गया, यहां से 1 प्लस किया तो 1 माइनस किया तो आपका 1008 हो गया, 1008 हो गया दोस्तों। 6 से हम डिवाइड करते हैं इसे तो आपका टेबल देखिए क्या जाएगा, 6 + 6 = 4 आपका 6 = 42 ज्यादा हो जाएगा, 6 + 6 = 36, 6 + 8 = 48 ये आपका डिवाइड हो गया। तो इसे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़िए इसको, ये आपका डिवाइड हो गया यानी ये आपकी एक अभाज्य संख्या हो गई। इस प्रकार चाहे जो भी मेरे दोस्तों चाहे जो संख्याएं हो उनकी हम लोग इस तरह शॉर्ट में एकदम 2 सेकंड में आंसर ले आएंगे। हमने आपसे थंबनेल पर आपने देखा होगा कि 2 सेकंड में आंसर, तो आपका 2 सेकंड में आ गया दोस्तों। बने रहिए एवन एजुकेशनल हब के साथ और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, आपसे रूबरू होंगे किसी नई ट्रिक पे लेके, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। थैंक यू।